Assalamu alaikum, my friends. I am Hina Sahar, and today I brought a new lecture for you about parts of body. So friends, if you are new in my channel, please subscribe my channel and also press the bell icon so my every upcoming videos can reach you easily. तो दोस्तों, आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर चलें आएँ अपना नया लेसन स्टार्ट करते हैं। और उस लेसन के आखिर में अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि इंसानी जिस्म का आगाज जो है, इब्तिदा जो है, वो सर से ही होता है, तो सर को इंग्लिश में कहते हैं हेड, दिमाग को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन, जो सर के अंदर पाया जाता है दिमाग उसको कहते हैं ब्रेन, ठीक है। बालों को इंग्लिश में कहते हैं हेयर, बालों को इंग्लिश में हेयर बोलते हैं, हेयर, ठीक है। माथे को इंग्लिश में फोरहेड बोलते हैं, फोरहेड, माथा, ठीक है। भौंहें और पलके, भौंहों को इंग्लिश में आई ब्रोज बोलते हैं और पलकों को इंग्लिश में आई लैशेस कहा जाता है, राइट। यहाँ पे आँख की तरफ इशारा है तो आँख को इंग्लिश में आई बोलते हैं, गाल को चीक्स बोलते हैं, नाक को नोस कहते हैं, उंगली का निशान जहाँ पे है थोड़ी, इसको इंग्लिश में चिन कहते हैं, और गर्दन के ऊपर लिखा हुआ है नेक, तो इट्स मीन गर्दन को इंग्लिश में नेक बोलते हैं, ठीक है। गर्दन को नेक बोलते हैं, थोड़ी को चिन बोलते हैं, चीक्स कहते हैं गालों को, नाक को कहते हैं नोस, राइट। जिस पे इस लड़की का हाथ है, कंधा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं शोल्डर, ठीक। दांत को इंग्लिश में टीथ बोलते हैं, और जो ये पैरो का निशान है घूंट, इसको इंग्लिश में लिप्स कहा जाता है, और एक दांत को टूथ कहते हैं, टीथ जमा को कहते हैं, ठीक। जबड़ा, पूरी जो हमारी बतीसी होती है उसको कहते हैं जॉ, जामी जबड़ा, ये पूरे बाजू के मुतालिक है, बाजू को आर्म बोलते हैं, हाथ को हैंड बोलते हैं, हाथ की हथेली को पाम कहते हैं, पाम, हाथ की उंगलियों को फिंगर्स कहते हैं, अंगूठे को थंब कहते हैं, और ये जो निशान एंड में सबसे जो है बगल बनी हुई है इसको आर्म पिट बोलते हैं, बगल को इंग्लिश में आर्म पिट बोलते हैं, राइट। पेट को इंग्लिश में कहते हैं बेली, पेट को इंग्लिश में बेली बोलते हैं, और जो एरो का निशान जहाँ गया हुआ है नाफ, इसको इंग्लिश में नेवल बोलते हैं, नेवल, ठीक है। कमर को इंग्लिश में वेस्ट कहा जाता है, वेस्ट, ये जो जिस लाइन के साथ स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ है, ये रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड और कमर को वेस्ट। ये टांग के मुतालिक है, सब तो पहले टांग को लेग बोलते हैं, घुटने को नी बोलते हैं, पाँव को फुट बोलते हैं, पाँव के अंगूठे को टो बोलते हैं, और पाँव की एड़ी को हील कहते हैं, हील, ठीक है। हर चीज़ की हर जगह पे मैंने अपना अलग अलग नाम लिखा हुआ है। अब इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आते हैं, तो इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहला है दिल, दिल को कहते हैं हार्ट, हार्ट, दिल। फिर है गुर्दे, गुर्दों को इंग्लिश में किडनी बोला जाता है, किडनी, ठीक है। फिर है फेफड़े, फेफड़ों को इंग्लिश में लंग्स कहा जाता है, लंग्स, ठीक है, लंग्स मीन फेफड़े। आंतों को इंग्लिश में इंटेस्टाइन कहते हैं, इंटेस्टाइन, आंतें, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। हमारे सारे जिस्म में जोड़ होते हैं, ठीक है, जोड़ को इंग्लिश में जॉइंट बोलते हैं, जॉइंट, राइट, जॉइंट। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है मेरा आज का लेसन आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।